हजूर, मेरा सवाल यह है कि एक आम अहमदी और एक मूसी शख्स में क्या फ़र्क है? एक आम आदमी और एक एक आम, मूसी। हाँ जी, मूसी कुर्बानी में ज़्यादा आगे होता है, वो अपने माल का कम से कम 1/10 खुदा के खातिर वक्फ कर देता है, और ये वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद भी जो मेरी जायदाद हो उसका 1/10 दे दिया जाए। लेकिन ऐसे भी हैं जिन्होंने 1/3 की वसीयत की हुई है। आम जो चंदा है वो तो 40वां हिस्सा है, कहाँ 40वां हिस्सा और कहाँ 1/3। तो वो इखलास में इतना बढ़ते हैं कि खुदा की खातिर बहुत माल तक दे देते हैं, और उसके अलावा दूसरे चंदों में भी बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। फिर वसीयत की शर्तों में नेकी की शर्तें भी हैं बाज़, वो शर्त वो सारी बातें पानी चाहिए, पाई जानी चाहिए। तो वसीयत करना बड़ा मुश्किल काम है, मगर बहरहाल अल्लाह तौफीक दे तो कर लेते हैं लोग।